नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। हम बात कर रहे हैं कि शेयर मार्केट में कितना रिस्क है। इसके पहले का वीडियो आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड्स में कितना रिस्क है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड्स में लगभग ना के बराबर रिस्क है कि पैसा आपका डूब जाएगा, कोई लेके भग जाएगा, म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो जाएगी कि नहीं बंद हो जाएगी, बहुत सारे सवाल जवाब थे। उसी के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, शेयर मार्केट में कितना रिस्क है। दोस्तों शेयर मार्केट में अगर आप नए हो तो ऐसे आप इन्वेस्टमेंट मत करना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपका पैसा फंस सकता है, डूबेगा तो नहीं लेकिन फंस सकता है, क्योंकि किसी भी शेयर की कोई ना कोई वैल्यू बनी रहती है। इसलिए आपका पैसा डूबेगा तो नहीं कि जीरो हो जाए, लेकिन यह है कि फंस सकता है। मान लो कि आपने 1,00,000 रुपया लगाए और वो 50% शेयर नीचे आ गया, आपका रुपया 50,000 माइनस हो जाएगा, 50,000 रुपये उसमें बचेगा, आप क्या करोगे? आप फंस जाओगे, आप सोचोगे और रकम है नहीं कि उसको एवरेज कर लें या इससे निकल जाए, निकल जाओगे तो 85,000 मिलेगा, 50,000 का लॉस हो गया। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हो तो इसके रिस्क रिवार्ड को समझो कि इसमें कितना रिस्क है। रिस्क इतना है कि पैसा आपका जीरो भी हो सकता है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि आपका पैसा जीरो भी हो सकता है, तो ये कोई बड़ी बातें नहीं है। आज के 2 साल पहले या 3 साल पहले, 2018-19 में चलो चलते हैं, 4-5 साल पहले फ्यूचर रिटेल करके एक शेयर था जिसको बिग बाजार के नाम से जानते हैं, बहुत अच्छा, सब लोग शॉपिंग करने जाते थे परिवार के साथ, फैमिली के साथ, जो अभी विशाल मेगा मार्ट में हो रहा है, ऐसा करके वो भी था एक बिग बाजार, जो आज दिवालिया हो चुकी है कंपनी, उसका शेयर पैसे में है, 1 रुपये से भी उसकी वैल्यू नीचे जा चुकी है, शायद 80 पैसा या 70 पैसे का शेयर है, आप देख लेना। अगर आप उसका ग्राफ देखोगे या उसकी वैल्यू आज चेक कर लो गूगल पे, तो 1 रुपये से भी नीचे है, जो कभी मतलब 500-600 का शेयर हुआ करता था। तो दोस्तों हमेशा ये चीज़ याद रखना, कब किसके दिन खराब हो जाए कहा नहीं जा सकता शेयर मार्केट में, इसलिए शेयर मार्केट में निवेश करना तो सही है लेकिन बिना जानकारी के निवेश करना बहुत रिस्की है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ नए लोगों को म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने को, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों फंड मैनेजर होता है, फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करता है, 40-50 कंपनियों में लगाता है, कुछ कंपनियाँ चलेंगी कुछ कंपनियाँ नहीं चलेंगी, लेकिन उनकी रिसर्च बहुत अच्छी होती है, वो आपको आपके पैसे को बहुत अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, अगर 50 में से 15 भी नहीं चलेंगी तो 35 कंपनियां आपका पैसा बढ़ाएंगी, ये चीज़ आप याद रखना, 15 नहीं भी चलेंगी नीचे भी आएंगी तो 35 आपका कवर कर देंगी। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न थोड़ा कम रहता है, क्योंकि एवरेज रिटर्न रहता है 50 कंपनियों का, 70 कंपनियों का, कुछ नीचे जाती हैं कुछ ऊपर जाती हैं, लेकिन आपको रिटर्न जरूर देके जाती है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। तो दोस्तों देखो शेयर मार्केट में रिस्क तो बहुत है, मैंने आपको बताया रिस्क इतना है कि आपकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि इसमें कुछ बचेगा नहीं। जैसे हमने फ्यूचर रिटेल का एक उदाहरण दिया, कभी वो शेयर कितने का हुआ करता था, 500-600 के करीब हुआ करता था फ्यूचर रिटेल का, आज 80 पैसे या शायद 70 पैसे का शेयर है, ये चीज़ आप याद रखना। तो इतना रिस्क है कि आपका पैसा जीरो हो सकता है, तो इसीलिए हम रिकमेंड ये करेंगे कि अगर आप बिगिनर्स, ठीक है दोस्तों, बिगिनर्स वो होते हैं जो शेयर मार्केट में नए होते हैं, ठीक है दोस्तों, बिगिनर्स वो होते हैं जो शेयर मार्केट में नए होते हैं, मैं उनको हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि आप म्यूचुअल फंड में जाओ, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जाओगे तो थोड़ा बहुत आपको शेयर की जानकारी होगी, शेयर मार्केट की जानकारी होगी कि हमारा म्यूचुअल फंड्स का पैसा किस किस शेयर में लगा है, सारा फंड ग्रो पे दिखाता है। जैसे आपने ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड लिया, उसमें जो पैसा लगा है 60 कंपनियों में, वो कौन कौन सी कंपनियों में लगा है वो भी दिखाता है वहाँ पे, कि आपका पैसा इस कंपनियों में लगा है और यहां से ये बढ़ रहा है, ये चीज़ भी दिखाता है, बहुत सारा नॉलेज बढ़ेगा आपको। जब बहुत सारा सबको 1-2-3-5 साल हो जाए तब जाके कहीं आप शेयर मार्केट में निवेश करिए, वो भी लार्ज कैप शेयरों से, जैसे रिलायंस हो गया, इंफोसिस हो गया, वेदांता हो गया, ठीक है दोस्तों, IRCTC हो गया, ऐसे ही अनगिनत शेयर हैं आपके पास, माइंडट्री हो गया, L&T हो गया, ठीक है, DV स्लेप हो गया, बहुत अच्छे शेयर हैं,
टाटा के भी बहुत सारे हैं, टाटा एलेक्सी हो गया, टाटा पावर हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ठीक है, आइसर मोटर हो गया, ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो बहुत अच्छे शेयर हैं, जो आपको पैसा थोड़ा कम बना के देंगे, लेकिन देंगे जरूर, कम से कम आपका पैसा गिराएंगे तो नहीं। ये ऐसे शेयर हैं, इनमें आंख बंद करके पैसा लगाया जा सकता है। अगर आप नए हो, लार्ज कैप से शुरुआत करो, वो भी 2-3 साल बाद, म्यूचुअल फंड्स में पहले इन्वेस्ट करो, वहां पे आप रिव्यू करो क्या है, कैसे पैसा बढ़ता है, कैसे शेयर लिए जाते हैं, कैसे क्या है, फिर आप निवेश करो। क्योंकि आप अगर ऐसे शेयर में फंस गए, जैसे अभी पेटीएम में लोग फंसे हुए हैं, 2000 का शेयर 310 या 312 रुपए पे भी आ गया कल या परसों। सोचो कहां 2000 का शेयर 300 पे आ गया, सोचो आपके पैसे की वैल्यू क्या बची, आप समझ रहे हो ना, कोई वैल्यू नहीं बची, ये समझ लो 20-22% की वैल्यू बची सिर्फ, बाकी सारी माइनस हो गई, बताओ 70% तक का लॉस है कम से कम, ये चीज़ समझ लो। अगर आपने 2000 पे उसका जो है लिया था आपने आईपीओ, ठीक है। तो दोस्तों अगर शेयर मार्केट में नए हो, एक रिव्यू कर लेते हैं, रिस्क जीरो के बराबर है, मतलब आपका पैसा जीरो हो सकता है, ये चीज़ याद रखना, रिस्क बहुत है, 100% रिस्क है कि आपका पैसा जीरो हो सकता है, ये चीज़ याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ। इसीलिए नए लोग जो हैं, जो शेयर मार्केट में कितना रिस्क है ये पूछते हैं, निवेश करने के लिए बिगिनर्स हैं, नए हैं, उनको मैं म्यूचुअल फंड रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर होता है जो हमारे पैसे को मैनेज करता है। दोस्तों ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, ये मैनेज ऐसे करता है जैसे मैंने पिछला वीडियो बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो के, आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।